अब नहीं आ रहा तुम्हारे पास? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और अब मेरे घर की दीवारों की हालत देखो, ये सारा आपको हर रूम में ना ये मिलेगा, रूडी सॉरी खोखो। ये अब क्योंकि स्कूल जाने लगी है, घर आके ना टीचर गेम खेलती है, मैं खुशाना बनती हूँ, ये मैम बनती है, फिर बोर्ड में मुझे पढ़ाया जाता है, कुछ इस तरीके से मुझे पढ़ाया जाता है। साथ ही ये दिखाऊं मैं आपको, ये यहाँ पे लिखे हैं ना इसने 6450, इस तरह से यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। ये मैडम फिर मुझे ये पढ़ाती हैं। ये मेरी खोखो की स्टडी है, खोखो यहाँ पे टीचर बनती है। से हेलो, हेलो, से नाइसली बेबो, से हेलो हेलो। तो खोखो टीचर बन रही है। और अभी यहाँ क्या करते हैं कि 3 दिन से ना काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे पूरी दिल्ली NCR में। तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि हमें थोड़ा बाहर जाना चाहिए, तो अभी मैं दोनों बच्चों को लेके बाहर जा रही हूँ फुल स्लीव्स के। मैंने दोनों को टी शर्ट पहना दिया। खोखो नो 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 लीव यार, बच्चा बेटा यू आर वेरी स्मॉल। तो दोनों को मैंने टी शर्ट पहना दिया और अब हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा बाहर। इनको घुमाती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊँगी, पास ही ले जाऊँगी, ताकि अगर घर आना हो तो हम जल्दी से आ जाए। तो जैसे अब हम निकलते हैं। उली बाप, अली यार तू खुद चलोगे? नहीं उली, मम्मा नहीं उठाएगी गोदी में। क्या हुआ बेटा? You have to stay like this, like crazy and me or stay. Oh, okay. चलो. आज पैदल चलेगा. No. आ जाओ जाओ, चलना चलना सीखना है ना चलना. ओह बेबी, नहीं गोदी नहीं, गोदी नहीं, नो गोदी, नो गोदी. नो गोदी बेबा, बी वेरी केयरफुल, डोंट क्राई बाबा। चलना सीखना है ना, ये रूडी को ना देखो गोदी की आदत पड़ गई है, इसको ना पैदल ही ले जाना होगा अभी, वरना भाई साहब हर जगह गोदी मांगता है। आ जाओ, कम कम आता हो, नाइसली खोखो, यू हैव टू बेंड हेयर, ओके ओके, यू आर टू स्मॉल, इट्स ओके, यू कैन वॉक आई थिंक। तो ये ना खोखो रूडी का फर्स्ट वॉक है, पहली बार मैं इसको ऐसे लेके जा रही हूँ, अदरवाइज अभी तक आपने लोगों ने इसको प्रैम में ही देखा होगा जब मैं भी बाहर निकल के लेके गई हूँ, बट आज इसका फर्स्ट टाइम है कि ये वॉक करके जाएगा। और मम्मा को नो कम हियर रूडी, यू विल फॉलो रूडी, कम हियर। समझ में आ रहा है सब। या ट्रेसी इज अ डॉग, गुड गर्ल, कम। और खोखो अपने ना ट्रेसी डॉग को लेके हुए आ रही है। आ जाओ। या आई एम वेटिंग, या यू आई ले, इट्स ओके, स्टैंड अप, मम्मा विल वॉश योर हैंड वंस वी विल रीच, ओके। ओली बाब ओली, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे इस ग्राउंड में पहुँच गई हूँ और मैं रूडी को लेके आई। मुझे लगा ये वॉक करेगा, बट ये वॉक करने के बिल्कुल चांस में नहीं है, इसको ना आदत नहीं है, तो बस ये रोने में ही लगा हुआ है। नो, देख रहे हो, बस गोद नहीं बेटा, नहीं। अच्छा ऐसे फिर मैं लेके नहीं आऊँगी, मेरे को लगा कि अगर ये चलेगा तो मैं इसको रोज़ लेके आ जाऊँगी, एक यू नो शाम के टाइम पर थोड़ा सा। या अच्छा खोखो क्या लेके आया अपने साथ? खोखो शो, खोखो एक डॉग लेके आई है अपने, टॉय डॉग, अभी दिखाती हूँ। कम ये देखो रूडी को, ये देखो इसकी, चलना नहीं है इसने चलना नहीं है, नहीं। तो बेटा आने का फ़ायदा क्या हुआ? हाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ है? कुछ फ़ायदा हो रहा है हमको? नहीं, मुझे तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर इसको गोद में ही बैठा के रखना है तो मैं वहाँ घर में ना बैठा के रख लूँ इसे, मैं घर में बैठा के ना रख लूँ इसे, जो यहाँ पर लगा हुआ है ये लड़का। अच्छा अभी थोड़ा सा ना शायद गोद से हट रहा है, दिख रहा है इसे, मे भी शायद यहाँ पे मान जाए। खड़ा हो जा। यस, अच्छा वॉक नहीं करनी है इसने चलना नहीं है, बाकी इस तरह से तो रेडी है ये करने के लिए। खोखो कम हियर, प्ले हियर बेटा, डोंट गो देयर, यू हैव टू प्ले इन फ्रंट ऑफ मॉमी, कम हियर, आस्क हर आल्सो। तो खोखो को एक नई यहाँ पे फ्रेंड मिली है खेलते, तो वहाँ पे खेल रहे, तो मैं इनको अकेले नहीं जाना देना चाहती, इनको चाहती हूँ कि मेरे आंखों के सामने खेलें। यू कैन प्ले हेयर बोथ ऑफ यू, गो एंड प्ले देयर। फाइनली खोखो रूडी थोड़ा सा ना अब अरे बाप, अरे शूज क्यों उतार देते हो तुम? बोरी, यस बेटा, आई हैव टू सी द रिश्ता के हाउस नीड खोखो, आई विल गिव यू नाउ मकीन।
ये नमकीन को ना वो जो आलू भुजी होती है उसको नमकीन बोलती है, तो वो इसको मिलेगा भी घर जाके, बट वी विल नॉट गो टू द मार्केट। कोको इफ यू बिहेव लाइक दिस आई विल नेवर कम हियर। आई टॉकिंग अबाउट सम बबल, आई नीड सम टू रीच अ बबल। ओ ले बबल, यू वांट सम एप्पल? ओके वी आर गोइंग होम। यू नो व्हाट, गेस व्हाट, डैडा इज कमिंग हियर। Okay. That will be more boring. Oh, that will be more boring. तो जस्ट नितिन का कॉल आया, मैंने नितिन को बोला था कि जैसे तुम आओगे ना तो मुझे कॉल कर देना, क्योंकि मैं घर तो अभी नितिन जस्ट मेन गेट पे पहुंच चुके हैं और अब वो लोग हमें यहाँ से पिक करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी धीमी धीमी क्या हो रहा है? रुको 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 रुको, इसको बस गोद चाहिए मम्मा की और कुछ नहीं चाहिए। वेट खोको, वेट, स्टे हियर खोको, स्टे हियर ओनली। तो मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे ये क्लब हाउस है ना सामने, तो इसी के सामने ये छोटा, मतलब छोटा तो नहीं, पार्क है यहाँ पे। यहाँ पे गेम हो रहा था, वहाँ पे जो होता है ना, आई थिंक कराटे क्लासेस हो रही थी। मैं बात तो करना चाहती थी लेकिन अगेन बारिश हो गई है, और बारिश में अभी रूडी अभी जस्ट ठीक हुआ है तो उसको बारिश में बाहर नहीं रख सकती मैं। नितिन क्यों नहीं आ रहा है? नितिन का फ़ोन तो आ गया बट अभी तक आया नहीं है। पापा आ गया ना, डैडा आ गया ना, गो टू डैडा। नितिन इसको गोद में उठा लो, चलो तुम उठा लो उसे गोद में। डैडी को हगी हगी। नाउ रूडी गो। इसको देखो नितिन, ये हर जगह कुछ ना कुछ तो खाने में लगा रहता है। पता है अभी मैं इसको थोड़ा सा चला के लाई, फिर यहाँ पे गाड़ियों की वजह से नहीं चलाया, फिर थोड़ा वहाँ चलाया। ये देख रहे हो सोसाइटी के अंदर भी ऐसा चलाते हैं। अब हैंड वॉश करवाऊंगी इसको मैं। देखो इसको इसको जाना है अंदर, अंदर ले चलो, इसे थोड़ा मजा आएगा। अरे बाबा, अरे चलो चलो धीरे धीरे चलो चलो। मम्मा इज ऑल्सो कमिंग, गो गो विद डैडी। अच्छा ये भगवान, इसके ऊपर चढ़ना, ये खुराफात क्यों है, इसका दिमाग इतना। फिर इनको उखाड़ना है। कम कोको कहाँ गया? अच्छा ये यहाँ से आ रही है, बच्चा मेरा। अली बाब अली, यस ओके कमिंग। देखो जरा इसे, उठा लो उठा लो ना, मैं भी हैंड कहीं मुंह में ना डाले बस वो, वैसे तो धुला दूंगी मैं घर जाके। चल चल चलो, लाओ घर चले चलो। यू वॉन्ट टू गो? ओके डैडी विल ओपन फॉर यू। ओके नो, दिस इज अ क्लब हाउस। यू फॉरगॉट दैट यू आर हैविंग योर डांस क्लासेस हियर? No. You want to go to restaurant? Yeah. We'll go tomorrow. Okay. नहीं वो चलेंगे ना पहले, और कल मंदिर जाएंगे वाले। आ, आ, चलो घर चलो चलो फास्ट, उठा लो नितिन को। अरे यार उठा के चल लो ना। अब इसके साइकिल में ये देखो, बस नीचे बैठी नहीं कि गोद में आना शुरू। चलो साइकिल में ना सीट बेल्ट लगा के बैठ सकता है। अभी देखना इसको हाथ पकड़ लेना, आराम से ले जाना इसे यहाँ से। जस्ट मैं ना रूडी को बाहर लेके गई आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि दोनों बच्चे काफ़ी बीमार चल रहे थे। उसके बाद आज मुझे लगा मौसम भी थोड़ा अच्छा है, बीच में मैं ना नहीं ले जाती थी गर्मी के कारण, तो आज मौसम भी अच्छा है तो मैं इसको लेके गई दोनों बच्चों को। रूडी चला नहीं चला, थोड़ा सा रोया। अब धीरे धीरे अगर मैं रेगुलर उसको लेके चली जाऊँगी। अच्छा एक चीज़ दिखाऊँ, खो खो का क्रास ये मुझे पढ़ाना शुरू हो गया मैडम का। खो खो इसने तो दीवारों की लंका लगा दी है, देख रहे हो? खोखो बस इनफ, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्लेइंग टीचर टीचर। खोखो फिनिश योर एप्पल फर्स्ट, फाइन। तो अभी क्या करती हूँ, बस आई हूँ, सात बज रहे हैं अभी। तो रूडी को ना जैसे उठा था, उठने के बाद हम सीधे चल गए, तो अभी मेरे को रूडी को थोड़ा सा कुछ खिलाती हूँ, उसके बाद रात के खाने का वो करेंगे, या अभी सोच रहे बाहर जाएं, लेट्स सी कि क्या होता है। कोको वेट वेट बेटा वेट। तो गाइस ठीक है, आज के लिए करती हूँ इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय। हिचकी भी लग रही है।